अभी हम जा रहे हैं एक जगह में। तो हेलो गाइस, नमस्कार अगेन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो सब लोग? तो हम तो बढ़िया है जी। कल हम यहाँ पे पहुँच गया था दिमा हसाऊ में, मेरा एक दोस्त का घर में, सूरज जय, जो कि मेरा पहले वाला वीडियो में भी था, अभी भी मैं इंट्रोड्यूस कर ही दूंगा। अभी हम तीनों भाई जा रहे हैं, नयन भाई, मी एंड सूरज जय भाई जा रहे हैं पानीमूर वाटरफॉल में दिमा हसाऊ में। तो वही पे मजे करेंगे, हम बहुत कुछ करेंगे, आप लोगों को भी दिखाते रहते। तो चलिए मिलते हैं अभी सीधा पानीपुर वाटरफॉल में। ओके, लेट्स गो। हो तो लो जी गाइस, फाइनली हम पहुंच गया यहाँ पे पानीपुर वाटरफॉल में, असम का सबसे सुंदर वाटरफॉल बोल सकते हैं इसको। ये है दिमा हसाऊ में, उमरांगसू के पास में। तो वहाँ पे हमारा ब्रदर लोग कुछ खाना वाना बना रहे हैं, वो अभी हम दिखाएंगे। पहले आप लोगों को नज़ारा दिखा रहे यहाँ का। तो ऐसा कुछ सराउंडिंग से देख सकते हो यार, कितना बड़ा बड़ा पत्थर, यूनिक सा पत्थर है यहाँ पे। और इधर में सामने में घना जंगल, मतलब हरियाली। और उधर पे हमने कपड़ा वपड़ा धो लिया, सब हमारा है इसी नदी से। और ये नदी भाई देख सकते हो, पानी कितना साफ सुथरा है, कितना मतलब ब्लूइश है, लेकिन ये सोल्टी वाटर है, जैसे कि मतलब सागर की तरह। और काफ़ी ठीक वाला है, मतलब भारी पानी है देख सकते हो फिर जैसा कुछ। और ये छोटा सा वाटरफॉल है, उसके बाद मेन जो टूरिस्टिक पॉइंट है, मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन और जहाँ पे लोग आते हैं मतलब पिकनिक मनाते हैं, वो है वो साइड में, उधर में थोड़ा दूर में है, वो उधर जो देख रहे हैं वैसा कुछ है। तो बाकी देख ही सकते हैं कितना खूबसूरत सा जगह है यहाँ पे। तो अभी हम आया है मतलब थोड़ा सा इस साइड में, जहाँ पे टूरिस्ट लोग नहीं आता है, क्योंकि कुछ यूनिक सा हो गया ना ये, इस साइड में ज़्यादा नहीं आता है। नीचे का साइड में है ये, वो ऊपर का साइड में है। तो अभी दिखा देते हैं, मेरा दोस्त से भी मिला देते हैं जो यहाँ पे हमें लाया है दिमासा बंदा। तो ये मेरा दोस्त है, ब्रदर सूरज जय ब्रदर, बहुत सारा लोग तो जानते ही है। आना चाहता है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, यू कैन कॉन्टेक्ट हिम। सबको घुमा देगा ना भाई, आपका इंस्टाग्राम आईडी दे दूंगा ना, आपका इंस्टाग्राम आईडी, हाँ भाई का यूट्यूब चैनल भी सेम नाम से ही है, सेम सूरज जय, हमें स्क्रीन पे दे दूंगा। हाँ, मेरा दोस्त है दिमा हसाऊ का। और नयन ब्रदर, हे कैसे लगा, क्या बना रहा है? वाह, ये किसका चड्डी है? कैसा लगा यहाँ पे आके? अच्छा लगा ना, ये आसम का सबसे कुछ दे रहा, बढ़िया है। वाह ब्रो, क्या बना रहा है? ये चिकन बना रहा है, चिकन बना रहा है ना, अलग स्टाइल से क्या? डिमासा, डिमासा स्टाइल, डिमासा स्टाइल है क्या? अच्छा, इधर क्या बन रहा है? पोर्क नहीं है ये कलर मत सोचना, हाँ कलर नहीं है। तो क्या ये मिर्चा? मिर्चा भी नहीं है ये, तो ये डिमासा का एक मसाला आता है। अच्छा, स्पेशल कौन सा वाला दिखाओ तो? ये क्या है ये? ये तो लाल मिर्च है। और इधर क्या है? पोर्क और चिकन ही है। अच्छा, रोस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने कुकिंग किया था इस पत्थर का सामने में, देख सकते हो आप लोग। और यहाँ पे हम अभी खाने वाला है, देख सकते हो पत्थर का मतलब कैफ का पूरा अंदर में। यहाँ पे हमारा चावल बन गया है और ये है चिकन, चेफ ब्रदर ही था सूरज ब्रदर। तो यहाँ पे आराम से हमने मेट बिछा दिया है, चलिए बैठते हैं और खाते हैं अभी। खाओ खाओ, एंजॉय करो। ए कहाँ से ब्रदर आप लोग? हम लोंका से। लोंका से, एंजॉय करो। ओके भैया, चप्पल ले थोड़ा। हाँ ठीक है ठीक है, ओके। हाँ, केफ का अंदर में आज का खाना, यार कितना लकी है हम। टेस्ट करता हूँ कैसा हुआ है। मस्त है, मजा आ गया भाई। थैंक यू, बढ़िया बनाया। यहाँ पे हमारा हो रहा है खाना। तो अभी गाइस, खाना तो हमने मस्त सा खा लिया है, लेकिन ये धोना भी है बर्तन वगैरह, मतलब ब्रदर ने खाना बनाया था इसलिए हम धो देते हैं अभी। यहाँ पे ऐसे मतलब धो देते, फिर मिलते हैं धोने के बाद। तो हो चुका है क्लीन, तो
I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. तो अभी हम वापस ही जा रहे हैं, सूखा भी नहीं है, सिर्फ बैग में थोड़ा सा है गीला गीला, ये तो बैग के अंदर भी नहीं जा रहे हैं इसलिए हाथ में लेना पड़ रहा है। ऐसा बहुत ही हम नीचे की ओर आ गया था जंगल जंगल होके, अभी वापस से जा रहे हैं, चलते हैं वापस से। तो अभी हम यहाँ का मेन पिकनिक स्पॉट का जगह में आया है और काफ़ी बदल गया, लास्ट ईयर में आया था मतलब अभी जो सीज़न है पीक सीज़न है इसलिए यहाँ पे डेंजर डू नॉट क्रॉस वगैरह ये यहाँ से जाने ही नहीं दे रहे हैं। लेकिन पहले तो पूरा जाने देता था ना इधर, मतलब आदमी लोग मरता होगा इसलिए। हाँ, इसमें ना हर साल को मारेगा ही मारेगा, एक या दो ऐसे मरते ही मरते हैं ना, क्योंकि वो आदमी का भी गलती है, पी के आता है वो फोटो वोटो खींचने में फिर गिर के मर जाते हैं और वैसे फिसल जाते हैं ना, ये स्लिपरी है इसका वजह से, इसलिए इसलिए स्ट्रिक्ट कर दिया, डू नॉट क्रॉस ऐसे लगा दिया है। बाकी बोटिंग बोटिंग से वहाँ तक जाता है, मेन वाटरफॉल वहाँ पे है, बढ़िया सा दिखता है यार।